वीडियो मत करो बोल रहे हैं। एक फ्लाइट आ रहा है एक्चुअली मुझे ना फ्लाइट में बैठने बहुत डर लगता है हवा में होता है ऐसे मत करो पहले तो यार डर लगता है क्या ये बताओ बहुत भूख लग रहा है बट क्या करेंगे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और कैश चलता है। फाइनली हमारा ट्रेन आ चुका है एंड अभी ट्रेन पे उठ के जाना पड़ेगा। गेट पकड़ के कहाँ चलोगे? सर जी मम्मी का बराबर है ऐसे गाली मत दीजिए। चले उतर से। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज का ब्लॉग में जाने वाले हैं हम वापस से अपना घर। तो सुबह सुबह निकल चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस। एंड बेंगलोर पे आया था हम 14 डेज के लिए। तो आज जाएगा वापस से अपना घर। सुबह सुबह निकल गया है। चल गया दोनों सुबह सुबह। अब तो जाना है बहुत दूर। और सुबह सुबह हमें देखो मार्केट लग गया। फाइनली पहुंच चुका है एयरपोर्ट। अभी ऐसे एंट्रेंस अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो फाइनली अभी हम लोग का टेकिंग का टाइम हो गया। बोर्डिंग पास वगैरह हो गया। एंड अभी अंदर एंटर कर रहे हैं जाके देखते हैं। तो यहाँ पे है मेरा 619 नंबर F19। यहाँ पर भी सेम ही है कुछ इस तरह। This will allow the customers to pass by you and we can be underway quickly for a time. यहाँ पे उल्टी वगैरह कर सकते हैं। नहीं दिए क्या इन फ्लाइट में? ना कंपल्सरी अभी मास्क पहनना। तो मास्क दे दिया है मास्क पहनना। तो फाइनली हमारा फ्लाइट रेडी हो चुका है घूमने के लिए। अभी सीधा ऊपर 2 घंटा 45 कुर्सी की पेटी इस तरह से बांधे कसने या ढीली करने के लिए इस तरफ और पेटी खोलने के लिए इस तरफ फ्लैप उठाएं। वीडियो मत करो बोल रहे हैं। In case of low visibility inside the aircraft, exit path lights will guide you to the nearest exit. In view of everyone's safety, it is prohibited to take hand baggage with you in case of an emergency. For more details, please refer to the safety instruction card located in the seat pocket in front of you. Thank you for your kind attention. On board this aircraft is strictly prohibited. Smoke detectors are installed in all the lavatories. Mobile phones and other electronic equipment may be used on flight mode during the flight once the seatbelt signs have been switched off. Government of India regulations prohibits photography at defense airports. Please check with your crew or ground staff before taking photographs. Correct flight aa raha hai. हमारा फ्लाइट 920 को है शायद। एग्जैक्ट 920 को ही उड़ेगा होगा। उड़ गया।
और सचिनों ऊपर आके पता चल रहा है दुनिया मंत्रालय ने अपने विमान सेवा पोर्टल को अपग्रेड किया है जो इंटरैक्टिव वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए सुगम है। सोशल मीडिया के साथ सुरक्षित साइन अप और लॉगिन, यात्रियों की सहायता के लिए चैटबॉट, सोशल मीडिया शिकायत सहित परिष्कृत प्रबंधन, रियल टाइम उड़ान स्टेटस और विस्तृत उड़ान अनुसूची। सेवा संबंधित किसी और जानकारी के लिए आप www.aseva.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद। मुझे ना फ्लाइट में बैठने बहुत डर लगता है, हवा में होता है ना बहुत डर लगता है। जब उस दिन पे आया था ना तो उस समय भी सीट पूरा खाली था, आज भी पूरा सीट खाली है। पूरा पाव से उठा के मजा से बैठ लिया, कोई भी नहीं है वैसे, सो भी सकते हैं। डर है कितना ऊपर ले जाएगा, बहुत ऊपर लेके आ गया। Thank you.
दिव्या सज्जनों नमस्कार, गुवाहाटी में आपका स्वागत है। हमें सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हम निर्धारित समय से पहले पहुंच गए हैं। बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। कुर्सी की पेटी के संकेत रहने तक कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहें। अब आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट एंड अभी बाहर निकल रहे हैं। ऐसे हमको पासीघाट बस पकड़ना पड़ेगा। तो गाइस हम एयरपोर्ट से डायरेक्ट रेलवे स्टेशन आ गया। सोचा कि ट्रेन से जाएगा बोल के आज, क्योंकि बस से कितना ट्रेवल करेगा ना, तो इस बार जाएगा ट्रेन से। तो पीछे है रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे ये है टिकट काउंटर, तो यहाँ से अभी टिकट कट लेते हैं गाइस। चलो तो गाइस बहुत भूख लग रहा था इसलिए खाना खा लिया। बिरयानी राइस एक, बिरयानी अंडा बिरयानी खाना है तो आ जाओ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। फाइनली हमारा ट्रेन आ चुका है एंड अभी ट्रेन पे उठ के जाना पड़ेगा। ये S5 है, ये 6 है। हाँ अच्छी, चलो फटाफट से उठते हैं। गेट पकड़ के कहाँ चलोगे? सर जी मम्मी का बराबर है, ऐसे गाली मत दीजिए। अंकल जी उससे हम लोग का आराम होगा, उधर पड़ेगा ही हम लोग का। हमारा 17 है, चलिए चलिए कहीं से भी उठ जाइए, चलिए उधर से। उधर से क्या आ जाओ आगे। मेरा आ गया, आपका आ गया? आ गया। अच्छा मेरा आ गया। भैया जी ये है हमारा मॉर्निंग गाइस। तो पहले कल ट्रेन में उठ के रात को डायरेक्ट सो गया था, तो अभी 7 बज चुका है। तो फाइनली तेलम पहुँच गया, तेलम कुछ ही देर में पहुँचने वाला है मुर्गोंग से। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर एंड इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करके इतना में समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।